तो भाइयों राम राम, मैं वापस से आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। और मैं पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ कितना बज रहा है। तो ये बज रहा है 2 रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस टाइम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रात में रिकॉर्ड करने का मज़ा ही अलग है यार। तो हम लोग माइलेज टेस्ट करने जा रहे हैं अपनी बजाज पल्सर N160 का। चौथी सर्विस मैंने करा लिया है और अब देखता हूँ ये कितना माइलेज दे रही है। पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है माइलेज की, तो उसमें मेरे को 58 का माइलेज ही दे रही थी। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये कितना के माइलेज देगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितना माइलेज दे रही है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पास हो जरा। तो गाड़ी अभी तक मेरी चल चुकी है 8869, ठीक है। चलो अब तो 8869 किलोमीटर ये चल चुकी है और अभी भी इसमें थोड़ा सा फ्यूल है, ठीक है। तो इसमें जो फ्यूल है इसको पहले ख़त्म करते हैं। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो पेट्रोल है इसको पहले ख़त्म करते हैं। ख़त्म करेंगे उसके बाद हम लोग डालेंगे 0.5 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत देर हो जाएगी। 0.5 लीटर हम लोग फिर पेट्रोल इसमें फिल करेंगे और फिर हम लोग इसको पूरी चलाएंगे। फिर देखता हूँ जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग जो जस्ट डबल कर देंगे तो वो हमारा 1 लीटर का माइलेज हो जाएगा। तो ये 0.5 लीटर है और ये थोड़ा सा मैं अपने लिए बैकअप के लिए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं अगली वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि N160 में क्यों सादा पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए। मेरी गलती से आप सीख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो लोग सादा पेट्रोल डलवाते हैं नहीं डलवाना चाहिए। तो चलो ठीक है, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो पेट्रोल है बाइक में इसको ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाइयों अब निकलते हैं अपनी राइड पे और पहले इसमें जो बाइक में जो पेट्रोल है इसको ख़त्म करते हैं, अच्छे चलाते हैं। मीटर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अभी है 8869 मीटर है। आई होप दिख रहा होगा आपको। और टाइम हो गया है 2:08। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, रात में यार थोड़ा अलग मज़ा है ना, फील है वीडियो रिकॉर्ड करने का। अभी सब लोग सो रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और ट्रैफिक में हाँ माइलेज थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बिना ट्रैफिक के दिखा रहा हूँ। बिना ट्रैफिक के और ज़्यादा दे देगी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। रात में कभी मज़ा आता है अकेले ना, जब सब लोग सो रहे होते हैं तब निकला हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने। सुकून रहता है ना रात में, इसलिए। तो अब बाइक का पेट्रोल ख़त्म करते हैं और फिर आपको मैं मिलता हूँ। तो भाइयों गाड़ी पिछले 1 घंटे से चला रहा हूँ। मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, मीटर हुआ है 8902 और अभी भी पेट्रोल इसमें है, अभी भी पेट्रोल इसमें है। तो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा पीछे बैठता हूँ और भाई चलाता है बाइक, और पेट्रोल ख़त्म हो तो मैं आपसे मिलता हूँ यार। फिर उसके बाद 0.5 लीटर और डालूँगा, फिर और चलाना, उसको तो पूरा ख़त्म ही करना है। तो चलिए पेट्रोल ख़त्म करते हैं इसका, और ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा। मुझे ऐसा लगा 10-15 किलोमीटर और चलेगी बस। तो भाइयों फाइनली गाड़ी का पेट्रोल हो चुका है ख़त्म। अब मैं आपको एक बार मीटर दिखा देता हूँ कितना चल चुकी है। दिखेगा नहीं, मैं बता ही देता हूँ, 8907 दिखेगा नहीं आपको। तो 8907 पे इसमें पेट्रोल ख़त्म हुआ है। कितने पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 8869। तो 8907 चल गई, तो मतलब 8 कितने किलोमीटर चल गए वहाँ पे, 31 और ये 38 किलोमीटर ये चल चुकी है। अब इसमें हम लोग डालेंगे 0.5 लीटर पेट्रोल। मैं आपको एक बार स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ कि स्टार्ट नहीं हो रही है। वहीं पर रहो, ये देख सकते हैं
स्टार्ट नहीं हो रही है, अब ज़्यादा स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे आधा लीटर पेट्रोल और फिर देखेंगे क्या माइलेज दे रही है। तो पेट्रोल मैं डाल लेता हूँ। भाइयों पूरा आधा लीटर मैंने फ्यूल डाल दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। क्यों अब चलते हैं, मैं मीटर फिर से आपको बता देता हूँ कितने पे है। अब आप देख सकते हैं 8907, ठीक है। तो भाई उसमें फाइनली पेट्रोल ख़त्म हो चुका है यार, ये देख सकते हैं एक्सेलेटर आगे नहीं भाग रही है और मीटर है इसका 8934 किलोमीटर। तो 8907 पे हम लोग ने स्टार्ट करी थी बाइक, और अब मैं एक बार स्टार्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं अब जो है बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो भाइयों फाइनली इसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, मैं आपको माइलेज बता देता हूँ 8000 दिखा देता हूँ, एक बार दिखा दो आके, ये देख सकते हैं 8934, आई होप आप देख पा रहे होंगे 8934, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ माइलेज इसने कितने का दिया है। आधा लीटर में ये चली है 27 किलोमीटर, 8907 पे हम लोग चले थे उसमें आधा लीटर पेट्रोल डाला और ख़त्म हुआ 8934 पे। तो आधा लीटर में चल गई 27 किलोमीटर, एक लीटर में ये चल जाएगी 54 किलोमीटर, और टाइम हो गया है 4:45, आप देख सकते हैं तब भी माइलेज ने बढ़िया दे रही है अभी भी। तो 55 का ये माइलेज एट प्रेजेंट दे रही है मेरे को, और माइलेज और भी बढ़ेगा मुझे पूरा यकीन है। आधा लीटर थोड़ा सा पेट्रोल कम भी था तो कभी थोड़ा बहुत इधर उधर भी मतलब कर लिए, तो आराम से आप चलाएंगे तो ये 50 का माइलेज आपको दे देगी जो कि बहुत बढ़िया है। मेरे को तो इसने 27 जोड़ेंगे 50 और दो हज़ार, हाँ 54 किलोमीटर आराम से आपको दे देगी, 54 से 55 किलोमीटर। और 4:45 बज गए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, बारिश भी हो रही है, 2-2.5 घंटे से बाइक आपके लिए बना रहा था यार। तो भाई प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब राम राम, फिर से बता देता हूँ, एक लीटर में 55 किलोमीटर दिया है माइलेज, राम राम।